हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेडीज सुनिया चैनल। आज हम बनाएंगे दाल पूरी। इसे बनाना बहुत आसान है और आप इसे 15 से 20 मिनट में अंदर इस पूरी को रेडी कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट हो या लंच हो और साथ चाहे तो आप इसे इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी इसे खाया जा सकता है। तो फिर चलिए दाल पूरी कैसे बनाते हैं देख लेंगे। यहाँ पर कुक किया हुआ तूर दाल मैंने 1 कप ले लिया है और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देती हूँ। इसे स्मूथ ऐसे पेस्ट बना देना है। ऐसे करके हो गया। और यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और 1 कप गेहूँ का आटा ले लिया है। और इसके अंदर ये दाल हमने ग्राइंड करके रखा था, इसे डालते हुए जाएंगे। और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं और ये ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने लहसुन और रेड चिली की जो पेस्ट रहती है इसे डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और थोड़ा सा तेल डाल के इसे मिक्स करते हुए इसकी एक टाइट डो रेडी कर देते हैं। पानी जो है बिल्कुल ऐड नहीं करना है, चाहे तो आप इसे दाल को और ऐड करते हुए जाइए और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के भी आप इसे यूज़ करके इसे टाइट डो रेडी करके रख दीजिए। और इसे 5 से 10 मिनट तक उतना रख किया तो काफ़ी है। अभी हो चुका है, सेट हो चुका है, थोड़ा सा जो ये है सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोर्शन ले लेती हूँ, पूरी जैसे बनाते हैं उतना ले लेना है, लेमन साइज जो जितना यहाँ पे मैंने ले लिया। और किचन फ्लोर पे ऐसे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे और बेलन को भी थोड़ा सा हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। और ऐसे पतला हमें यहाँ पर पूरी जितना बेलना है, यहाँ पर बेल के हो गया सारे, मैं ऐसे ही बेल के रेडी कर देती हूँ। तेल जो है गरम है या हम चेक कर देंगे। बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है पूरी को। तेल जो है अच्छी तरीके से गरम हो चुकी है, ऐसे मैंने सारे जो पूरी के जो है मैंने करके रख दिया है। और एक एक करके इसे मैं फ्राई कर देती हूँ। हाई फ्लेम पे रख के मैं यहाँ पे पूरी को फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना फूल गया है पूरी जो है। इसे पलट के दोनों साइड यहाँ पे 20 से 30 सेकेंड्स तक इसे फ्राई किया तो हो जाता है। ये हो गया, इसे निकाल देती हूँ। चाहे तो आप इसे टिश्यू पेपर के ऊपर डाल दें ताकि जो एक्सेस ऑयल जो है सूख जाएगी। तो सारे में इसे पूरी जो है फ्राई करके रेडी कर दिया है मैंने। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ रायता के साथ, बूंदी रायता, मिक्स ऑनियन टोमेटोज और बूंदी रायता के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो कुरमा के साथ सर्व करें, चटनी कोकोनट चटनी के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत मुलायम और सॉफ्ट पूरी जो है बनके रेडी हो चुका है। दाल पूरी जो है बहुत अच्छी बनती है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा के रखिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।